है वो रह चुका है हमारा अराउंड 170। मैं इस टाइम अभी अकेला हूँ, मजा तो आ रहा है भाई लेकिन बहुत ज्यादा हवा टाइट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनबरिया। सो इट इज डे 3 और मतलब कि जो हमने दर्शन करने मतलब सब कुछ हो चुका है हमारा कंप्लीट, आपको बताया भी था। और अब बस हम घर जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से घर लगाएंगे। अराउंड हमारा घर है यहाँ से 300 किलोमीटर। सोच रहे हैं नॉन स्टॉप घर ही लगा दे, बीच में फिर भी थकते हैं तो रुक जाएंगे। बट सब रेडी हो गए भाई, रेडी हो रहे हैं। ये किंग्स बॉयज, एक भाई अंदर फ्रेश हो रहा है, मैं जस्ट अभी उठा हूँ। और अब आपको बाहर का सीन भी दिखाता हूँ कैसा है। अब चलते हैं, बस बाहर चलते हैं, बाहर सीन देते हैं। और भाई रात भी एकदम मस्त नींद है, मतलब पैर टूटे हुए थे ना, मतलब कुछ फील नहीं हुआ कि एकदम लेट थे ही, सीधा सो गए मस्त एकदम। अब कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं और अपना बाइक चलाते हैं और मिलते हैं बाइक पर। सो फाइनली सब ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। अब एक बार मैं बाइक को कॉल स्टार्ट करके आता हूँ। और मतलब हमारी सबकी बाइक यहाँ पर खड़ी थी बाहर ही। और ये मेरी वाली बाइक कहाँ पर है भाई, किस साइड है? डैश यार, मेरी वाली बाइक यहाँ पर खड़ी थी, इसको एक बार कॉल स्टार्ट कर देते हैं भाई, फिर चलना भी है भाई। बाइक बहुत मस्त चल रही है, मतलब मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में फुल ऑन। ये तो प्यार है यार अपना। चलो भाई, जय माता दी भाई। बाइक हो गई अपनी कॉल स्टार्ट, एकदम मस्त। सबको बस मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगी, सब निकल लेंगे, सब ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस अपना बाल वाल बना रहे हैं सारे, अब चलते हैं। उससे पहले हम अपना व्यू पॉइंट देख के आते हैं हमारा, मतलब कि जो रूम से तो कुछ खास ऐसा व्यू नहीं आ रहा, क्योंकि कोई ऐसी विंडो नहीं थी, क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर भी था बिल्कुल, वहाँ पर मतलब सब कुछ बंद ही था। और साइड में मतलब कि साइड में व्यू बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखा के लाता हूँ पहले। सो दैट्स द व्यू, अच्छा लग रहा है ना व्यू, ये तो खास बात है यार, मैं दिखाता हूँ आपको। तो बस अब चलने के लिए रेडी हो गए, हम सब रेडी हो गए, भाई भी रेडी है बिल्कुल। रात कैसी रही, अच्छी नींद आई? सो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। कैसा रात? बढ़िया भाई, बिल्कुल रेडी है भाई, तो चलने के लिए बिल्कुल एकदम उत्साहित हो रहा है निकलने के लिए। बसंत भाई रेडी? चलो भाई रेडी, चलो भाई रास्ते में मिलते हैं, आराम से जाएंगे रास्ते में, मस्ती करते जाएंगे। ओके, मिलते हैं रास्ते में। सो फाइनली रूम से चेकआउट करके अपने सोनप्रयाग से निकल गए हैं। अब जा रहे हैं हम अपना ऋषिकेश साइड। देखो यहाँ से हमारा जो घर पड़ता है वो पड़ता है अराउंड 300 किलोमीटर। तो लेकिन अगर हम रास्ते में कोई ज़्यादा बड़ा मीन्स ब्रेक ना ले, और ज़्यादा कोई लंबा ब्रेक ना ले, तो अराउंड हम 5-6 बजे तक नॉर्मली अपने सहारनपुर घर पहुँच जाएंगे। बाकी स्टार्टिंग में अभी ये रास्ता मतलब काफ़ी टूटा फूटा आ रहा है। बाकी रास्ते में मतलब आगे जो ऋषिकेश वाला रास्ता आएगा, मीन्स सोनप्रयाग टू ऋषिकेश जो बीच में रास्ते आते हैं, वो काफ़ी सही है। ये कुछ बीच में पैच है, बीच में मतलब टूटा फूटा है, जैसे यहाँ पर एकदम गड्ढे से अचानक आ जाते हैं। इन वाली रोड में मतलब थोड़ी थकावट होती है, बाकी तो अपना रास्ते में मज़ा ही आता है। बाकी बीच बीच में जहाँ पर पैच बढ़िया आएंगे वहाँ पर गाड़ी बढ़िया खींच भी देंगे, ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। बाकी आप देखो नज़ारे देखो पहाड़ों में, तो भाई मतलब कि मज़ा ही अलग आता है। बाकी जब हम बाइक चलाते हैं, खासकर जब ड्राइविंग करते हैं, तो तब तो इतना नहीं देख सकते, तब तो अपना ड्राइविंग पर ज़्यादा फोकस करना होता है। बाकी भाई मज़ा आ रहा है, बाकी टूटे पड़े हैं लेकिन पहाड़ों को देख के एक थोड़ा सा फील हो जाती है कि हाँ भाई चलते चलो। बाकी आप देखो अपना रास्ते देखो, बाकी आगे रास्ते में मिलते हैं। ओके जी। सो अभी हम रुके हुए हैं अगस्त मुनि में, यहाँ से मतलब कुछ सामान लिया, जैसे हमने कुछ केले वेले लिए कुछ खाने पीने के लिए, और अपना सब्जियाँ लिए, रास्ते में बनाएंगे, थोड़ा कैंपिंग करेंगे और अपना थोड़ा इन्जॉय करेंगे। बाकी हम दो मेंबर्स तो मतलब दो बाइक तो हमारी यहाँ पर है, और बाकी जो दो बाइक हैं वो भी शायद पीछे हैं, वो भी कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, बाइक चला रहे होंगे बट ज़्यादा पीछे तो नहीं थे, वो अब तक आ जाने चाहिए थे। बाकी देखते हैं, थोड़ा टाइम हम वेट करेंगे, फिर देखते हैं हमें कहाँ पर मिलते हैं। बाकी यहाँ से हमने अपनी सब्जियाँ ली हैं, इस दुकान से हमने अपनी सब्जियाँ ली हैं, बाकी हम अपना कुछ खाना पीना कर रहे हैं। बाकी फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जहाँ पर कुछ मतलब कि अच्छी सी जगह होगी कैंपिंग करने का, जगह होगी वहाँ पर बैठ के अपना खाना पीना बनाएंगे और फिर आगे चलते हैं, मिलते हैं आगे। सब इकट्ठे हो गए हैं, सब जो पीछे हमारे मेंबर्स रह गए थे वो भी आ गए हैं,
अब आगे जा रहे हैं, अब आगे जाके देखेंगे जहाँ भी जो भी मतलब आपको बताया था ना, जहाँ पे अच्छी जगह होगी वहाँ पर रुकेंगे, अपना खाना पीना बनाएंगे और फिर आगे मिलेंगे। हाँ भाई सब रेडी है चलने के लिए? चलो मेरे पास मेरे हाथ में ही है। चलो बॉयज मिलते हैं आगे, ठीक है। तो अभी रुके हुए हैं धारी देवी माँ के मंदिर में, बीच में रास्ते में पड़ता है और यहाँ से हम प्रसाद ले रहे हैं। भाई ने ले लिया प्रसाद और मेरा ये रहा प्रसाद, सब प्रसाद ले रहे हैं। एक मेंबर हमारे डेट्स द मंदिर काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है और ये कुछ वो है इस तरीके से बीच में। अब नीचे चलते हैं वहीं पर, वहाँ जाके पूजा करेंगे। सो यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। चलो कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है भाई। मेरे को देख, वैसे बता तुझे कुछ मंदिर के बारे में इसमें क्यों ये बहुत अच्छी मंदिर है, यहाँ पर सबको आना चाहिए। तीन फायदे बतावेगा कि इसके भी तीन फायदे बता मंदिर आने। मंदिर में आने के लिए मैं आपको बताऊंगा तीन फायदे, बता। सबसे पहला फायदा आपका, आपको मतलब कि स्लोप से नीचे उतरना पड़ेगा, आपको मजा आएगा, यहाँ पर काफी पानी है। भाई इस मंदिर के बारे में मेरे को अभी कुछ पता नहीं है, जब भी मतलब मैं किसी से पूछूंगा या फिर मतलब पता करता हूँ तो आपको कुछ बताता हूँ जैसा भी होगा। सो दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं और हमने यहाँ पर मतलब कि जो अपना प्रसाद बरसात था प्रसाद चढ़ा दिया और ये अंदर से हमें ये वाला प्रसाद मिला है। अब इधर देखेंगे, इधर ये हवन कुंड है और इधर से यहाँ पर फोटो ले रहे सब। चलो बढ़िया, ये घंटी इसलिए लगी हुई है मतलब आप कुछ मांगते हो और वो पूरा हो जाता है तो आके यहाँ पर कुछ घंटी बांधते हैं। मैंने ये पूछा था मतलब उन्होंने यही बताया, बाकी कुछ इस जगह पर ये बना हुआ है काफी सही तो बनाया हुआ है, सब कुछ अच्छा है। सो फाइनली दर्शन कंप्लीट हो गए, अब देखेंगे आसपास से मतलब कि यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है इस पे। वो ब्रिज पे चढ़े क्या, ब्रिज पे जाएगा सुसाइड वाले पे? नहीं, देखते हैं यहाँ पर अगर जाना चल यार, वैसे टाइमिंग देखते हैं, अगर यहाँ पर जाने का मूड बना तो चले जाएंगे। बाकी यहाँ पर दर्शन कम्प्लीट हो गए, कुछ इस तरीके का मंदिर बनाया हुआ है, काफी अच्छा था मतलब अंदर जाके मन की शांति हुई। निकासी मार्ग यहाँ से निकले, चलो भाई सर। द ब्रिज काफी सही है अपना मजे करो और क्या। यहाँ से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है, पता तो चला नहीं मेरे को खैर ये किस किस चीज में, बट ये बता रहे हैं कि जब मतलब जब बहुत पहले मतलब केदारनाथ में मतलब कि जो वो आपदा मतलब कि आई थी मतलब पानी वानी आया था बहुत ज्यादा, तो ये वाला जो ब्रिज है ना ये पूरा मतलब कवर हो गया था पानी की वजह से, इतना ज्यादा पानी आया था। तो मतलब इसकी हाइट देख सकते हो कितनी नीचे से ऊपर है और ये भी पूरा कवर हो गया था, तो कितना ज्यादा मतलब की डिस्ट्रक्शन कितना ज्यादा। ये क्या हुआ है, अच्छा मतलब आने जाने के लिए, चलो सही है। स्टार्ट मूव एक्शन, महफिल ही रुक जाए, ये दे जो जुबान मेरी जान, महफिल ही रुक जाए। ओ तेरी वीडियो नहीं बनी यार, तेरी वीडियो से खराब कर दी, इसे नीचे फेंकना क्या? पानी दे भाई, भाई को पानी दे। क्या हो गया, कौन सी? अबे दूसरी उस पे ही है, उसके पास ही है। अच्छा यहाँ तो यहाँ इशारा तो मेरी तरफ कर रहा, नीचे रखी बोतल, नीचे क्या है ना। हाँ देख खुद साले खुद क्यों पी रहा, ये उसके लिए मांग रहा था साला हग्गा। ओ मारता क्यों नहीं तू बसंत, बसंत मारना मारना, मौत तो इतने में तो मार देता, मन सहता इतनी भाई यार। भूख लग गई है, भूख तो लगी, भूख लग गई यार। कितने किलोमीटर कवर कर लिया हमने, कुछ नहीं पता कितने हो गया होगा, हो गया। भाई को नहीं पता, भाई को तो मोड़, भाई मोड़ गिन रहा मैं, अब तक 300 मोड़ मुड़ लिए। हालत बहुत ही ज्यादा खस्ती हो रखी है, मतलब पहले कल तो हो रहा था पैर में दर्द, पैर में दर्द, अब कमर में इतना ज्यादा हो रहा है, पैर का तो फील ही नहीं हो रहा, पैर का मतलब की बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है, हालत खराब। अब यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, मतलब कुछ हैवी नहीं, मतलब कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक चिप्स बिस्किट ये खाए और भाई अब थोड़ा सा 5-10 मिनट यहाँ पर रेस्ट करेंगे और फिर आगे चल रहे हैं। आगे चल के ऋषिकेश में खाना खाएंगे क्योंकि भूख तो लगी है, अराउंड टाइम भी हो गया, टाइम हो गया हमारे 11 बज चुके हैं,
खाने का भी टाइम हो गया, बहुत ज्यादा भूख लगी है, चलते हैं। बाकी पीछे का व्यू तो सिंपल ही है, नॉर्मल वाले पहाड़ ही है। अब जब केदारनाथ वाले सोनप्रयाग वाले पहाड़ देखा है तो ये वाले तो सिंपल ही लग रहे हैं। चलो जब खाना खाते आगे मिलते हैं, थक गए, हिम्मत नहीं हो रही। इस भाई तो पूछे भाई क्या कैसे चल रही भाई ये भाई, ये भाई ऐसा है भाई, चलावे तेज। अगर आगे से ट्रक आ रहा हो तो आग बंद कर ले, क्योंकि मुझे तो दिख ही नहीं रहा था कुछ, कुछ भी नहीं आ रहा। और जय श्री राम बोल के नीचे ले गए, बढ़िया। गाड़ी की तो कुतिया बना रखी, टायर की हालत दे, टायर कैसे हो गए बिल्कुल निकल के हाल लगे ब्लैक ब्लैक, और तेरे वाले का भी। सो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अपना निकल चुके हैं और ऑलमोस्ट हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। ये बीच बीच में हमारे चेक पॉइंट्स आ जाते हैं, जो चेक पोस्ट होते हैं। वैसे तो यहाँ पर कोई मतलब पुलिस वाले जो हैं, मतलब कोई किसी को ऐसा रोकता नहीं है, आपने हेलमेट लगा रखा है और आप अपनी लाइन में और अपनी लेन में और सही चल रहे हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी आप देखो यहाँ पर मतलब ऋषिकेश में आने के बाद आपको काफ़ी ट्रैफिक मिल जाएगा, यहाँ पर काफ़ी है। चलो जी अब नज़ारे देखो, हम चलते जाते हैं, बोलने की इतनी ज़्यादा अभी हिम्मत भी नहीं रही है, काफ़ी थक चुके हैं। चलो जी रास्ते में अगर कहीं रुकते हैं तो वहाँ पर मिलते हैं। ओके जी, तो अभी रुके हम ऋषिकेश में रुके हुए गुरुद्वारे में। तो यहाँ पर हमने अपना जो लंगर है वो भी कर लिया, मतलब पेट पूजा हो गई, खाना खा लिया, और मतलब कि काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब भाई भगवान की जगह है, तो थोड़ी देर बैठ गए, मन भी शांत हो गया। अब यहाँ से अपना डायरेक्ट घर जाएंगे। बीच में देखो भूख लगनी थी और मतलब थोड़ी देर आराम भी करना था, तो ये मतलब भगवान के द्वार पर बैठना, मतलब भगवान की जगह पर बैठना बहुत अच्छी जगह थी। और बाकी भाई देखो खाना भी है, वो तो मस्त भी है, अपना लंगर भी कर लिया, अब चलते हैं। बाकी भाई देखो बहुत मतलब देखो जितनी भी चीज़ें होती हैं इस टाइप की बहुत अच्छी बना के रखते हैं, प्यारी तो लगती है, मतलब जब बैठते हैं अच्छा तो लगता है। अब कुछ टाइम यहाँ पर बैठे हैं पार्क में, मैं और गुल्लू साथ में बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि अब एक बार बैठ जाते हैं, एक बार लेट जाते हैं, दोबारा उठने का मन नहीं करता। लेकिन कोई नहीं, फिर भी भाई ये आई थिंक लगता है यहाँ के स्टूडेंट है जो यहाँ पर पढ़ते होंगे शायद, कुछ ऐसा, और शायद अभी खाना खाने जा रहे हैं। चलो भाई अच्छी बात है। सो अब यहाँ से उठेंगे और बस अब चलते हैं थोड़ी देर में। सो हेयर वी आर क्रॉसिंग ऋषिकेश। सो जो अब यहाँ से हम जाएंगे पहले हरिद्वार, हरिद्वार से डायरेक्ट सहारनपुर। हम जा रहे हैं अपने मतलब कि इस वाली रोड से जा रहे हैं, मतलब जो रिवर की साइड में से जाती है, गंगा की रिवर साइड से, जो मेन रोड होती है हम उससे नहीं जा रहे हैं हरिद्वार, क्योंकि वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी मिलता है और वहाँ पर मतलब हमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। और बाकी सो हेयर वी आर एट हरिद्वार। कुछ टाइम के लिए रुके हैं क्योंकि हमारे जो दो तीन मेंबर्स थे, मतलब कि साथ में जो दोस्त थे बसंत और दो तीन और, वो कह रहे थे उनको स्नान करना है। मैंने तो देवप्रयाग में कर लिया था, वहीं पर मैं पवित्र हो गया, अब मैं खुश हूँ, अब मुझे और ज़्यादा नहीं करना। इतनी हालत मतलब कि टूटी हुई है, मन नहीं कर रहा, मतलब बाइक से उतरने का भी मन नहीं कर रहा था, चिपक चुके थे बिल्कुल। बस अब बैठे हैं थोड़ा टाइम यहाँ पर, दो ये बैठे हैं, दो यहाँ पर टूटे हुए बैठे हैं, और हमारे जो कितने रह गए, कितने थे यार, मैं तो भूल भी गया कितने थे, जो भी थे, जो भी एक दो बज रहा होगा, आधा पौना वो स्नान करने गए हैं भाई। हम तो यहाँ पर पैर थोड़ा देर हाथ जोड़ लिए यहीं पर ही, पैर यहीं पर डाल लिए थे, थोड़ा टाइम ठंडा ठंडा फील हुआ, थोड़ी शांति हुई, यहीं पर बैठ गए। अब यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ के बाद मेरा मन नहीं है कोई भी स्टॉप लेने का, हालत बहुत भाई मतलब खस्ती हो चुकी है। भाई पंडित तू शॉपिंग करके आया ना, बताइए क्या क्या लेके आया भाई पंडित, आज शॉपिंग करके आया, पंडित का बैग चेक करते क्या क्या लेके आया, आ जाए जरा इधर आ जल्दी, भाई की शॉपिंग, भाई शॉपिंग बैग कहाँ है तेरा, किससे की तूने, ज़ारा H&M का आया था कि तू, तो भाई हमारे लिए सबके लिए प्रसाद लेके आया, और क्या क्या लाया निकालियो, वो जूते टा एक प्रसाद लाया भाई, और क्या है, ओ ये तो मैं खाऊंगा यार, मेरे को दे दो, अच्छा अखरोट लेके आया, तो काजू भी है क्या इसमें, काजू है क्या इसमें, तो यार अखरोट है बस यार, चलो कोई नहीं। अरे कड़े कड़े भी तो थे यार, कड़े दिखे थे मेरे को, ओए कड़े कहाँ हैं,
इसमें नहीं है। चलो दिक्कत, मतलब थोड़ा बहुत घर वालों के लिए सिंपल सिंपल सा सामान लेके आया, ठीक है। मतलब जब बाहर से आते हैं तो सब सोचते हैं कि भाई पैसे चल गए, बाहर से मतलब कुछ सामान लेके आए तो ठीक है अपना। मैंने तो कुछ खास लिया नहीं, मैंने वहीं से ही लिया था, मतलब केदारनाथ से एक शिवलिंग, दो शिवलिंग ली थी बस, वही है मेरे पास। और तो कुछ लेने का खास ऐसा मन भी नहीं। एक टी शर्ट सोच रहा हूँ मैं लेनी, देखता हूँ अगर अच्छी से मिल जाती है, मतलब मेरे साइज की वैसे मिल ही जाएगी, वो देखता हूँ। बाकी आप देखो कि आप हरिद्वार चलते हो। अभी रुके हुए हम अपना चाट ब्रेक के लिए। ये चाट है बहुत टेस्टी चाट है, इसको खा के फिर आगे चले गए भाई। ये आसपास के एरिया सबसे फेमस चाट है, नाम क्या मधुराम चाट है, भगवान की बनती है, बहुत फेमस चाट है, सब आगे खा गए। हाँ बहुत मस्त है और आप देख भी सकते हैं। अब इसको खा के सीधा सहारनपुर घर मिलते हैं। सेट गाइस, सीधा मिलते हैं सहारनपुर। अब चलते हैं अपना सहारनपुर। सहारनपुर है हमारा इस साइड, अब अराउंड हमें लगने वाली बस 20 मिनट। अब बाइक की गोली बना देंगे, ये रही हमारी चीटी। चल बेटे दौड़ने के लिए तैयार, मिलते हैं रास्ते में। सो फाइनली ऑफिशियली हम सहारनपुर में एंटर कर रहे हैं। बस अब तो घर ज़्यादा दूर नहीं है, हाश मज़ा आ रहा है। सो ट्रिप बिल्कुल मस्त रही, मज़ा आया। अब बस घर जाना है, अब घर जाके सबसे पहले नहाना है और नहाने के बाद मेरे को पनीर खाना है, पनीर खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। और ये रहे हम सब, हम मतलब लास्ट में हम 4 बचे हैं और सारे आगे मतलब घर अपने पहुंच चुके हैं। अब घर जाके पनीर खाना है और नहा के और फिर मस्त अपना सो जाना है। मिलते हैं घर जाके। और बसंत को मैंने उसके घर ड्रॉप कर दिया, मैं अपने घर जा रहा हूँ भाई, तो बहुत थक गया। अब जाते ही कम से कम 1-2 घंटा में, तो 2 घंटे नहाऊंगा भाई। ओके भाई, भाई मिलते हैं। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं, मैं भी नहा धो लिया और जो बाइक है उसको भी एकदम मस्त वॉश करा दिया, एकदम चमक गई है भाई, फुल मजा आया एकदम, ट्रिप मस्त रही। बाकी पहले भूख लग रही है, पहले खाना पीना खाऊंगा, मेरा पनीर खाने का मन है, अभी पनीर लेके आया हूँ। मम्मी को बोल दिया, पनीर बना के रेडी रख रही है मम्मी, अब जाके पनीर खाऊंगा और मस्त खा के और फिर तो बना मैं सोना है। पहले सबसे पहले नहाने में मतलब कि इतना एक घंटा लग गया नहाने में, मतलब कि पसीना हो रहा था, बदबू हो रही थी, मज़ा आ गया लेकिन नहा के। अब सबसे पहले खाना पीना खाएंगे, फिर खाने के टाइम मिलता हूँ आपसे। ओके सो फाइनली खाना रेडी हो गया और भाई मैं तो नहा के थक गया। गुल्लू का भी खाना रेडी है भाई, पनीर पार्टी चल रही है दबा के। सो एंड हो गई हमारी ट्रिप, बिल्कुल मजा आया एकदम, मतलब सबका रिव्यू लिया, बिल्कुल मतलब एक मेमोरियल ट्रिप थी। एक ट्रिप कुछ इस टाइप की रही हमारी कि हमारी जेबें खाली होगी लेकिन हमारी जो मेमोरी होगी ना वो वाली, मतलब कि वो भर गया हमारा बिल्कुल, तो बिल्कुल मजा आया। बाकी ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी, आई होप आपको मज़ा भी आया होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना और जो भी आपका फेवरेट पार्ट है उसको कमेंट कर देना। और जो भी हमारे सारे मेंबर्स थे उनके इंस्टाग्राम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनसे बात करनी है, जो भी करना है, नेक्स्ट ट्रिप कौन सी होगी वो भी देखेंगे, बाकी सब कुछ करते हैं। बाकी और बाकी बातें बाद में करते हैं, बाकी इस ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय। तो गाइस हम आए थे यहाँ पर फैजू भाई से मिलने पर, फैजू भाई तो मिले नहीं, सो आई विल नेक्स्ट टाइम कम टू मुंबई एंड मीट फैजू भाई। फैजू भाई लव यू मामे, मामे मेरे लिए खाना ले आओ मामे। मामे मेरे को सलमान खान की कार के नीचे आना है। एक्टिंग के बादशाह भाई तुम तो बादशाह सा। आरा 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 आरा, अरे दिखाइयो यार। क्यों? अरे मैं तो काला हो गया यार 4 दिन में। इधर जब था तो तू कौन सा गोरा था? अरे यार मैं बहुत सुंदर है यार, मैं कमाल का बंदा हूँ यार, 4 दिन में यार काला पड़ गया, क्या करूँ यार मैं छोड़ के भाग। तो भाई अबे फ्लैश तो बंद कर, मेरी नहीं जली का फ्लैश, रुक जा। बाहर भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, अबे यार ये फोकस क्यों नहीं कर रहा। हाँ हो गया, अब इसको वापस घर छोड़ने जाना पड़ेगा छाते में। चल भाई चले, अब तेरे चक्कर में बाहर भीगना पड़ेगा, 4 दिन से भीग रहा, एक बार और भीगना पड़ेगा। अबे यार बहुत ज़्यादा हो रही है, हम साथ चलेंगे यार ऐसे, हम साथ साथ हैं और टक्कर न मार देंगे यार, हम तो ऐसे तो हो जाएंगे। तो गाइस कंटेंट तो गाइस कंटेंट तो हाँ यार,
तो गाइस हम तो फैजू भाई से मिलने आए थे, फैजू भाई से मिलने। तो भाई मौसम तो यहाँ भी खतरनाक हो गया। घर के सामने ये हमारे घर के पास का मंदिर है, हाथ जोड़ लो गाइस, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। मैंने आपको केदारनाथ भी दिखा दिया और मैंने आपको ये भी दिखा दिया। चलो गाइस मैं इसको घर छोड़ दूँ, भाई को ड्रॉप कर दिया है और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट ट्रिप पे मिलते हैं। ओके बाय बाय गुल्लू डॉन।